Hello, dear students. Welcome to fun-filled Sunday in the Vibramlo Global Academy. This is a video for value education for class five, and today we will be starting with a new chapter that is chapter number five, King Bruce and the Spider. This is based on the value of perseverance. Perseverance means try and try until you succeed many a times it so happens that you try for so many times but unfortunately you get failure every time but think positive and don't quit so here is a similar kind of story depicting the message of perseverance perseverance means many a times you might have felt के आपने बड़ी मेहनत की होगी and हमेशा आप उसमें fail ही होते हो but the thing is you should continue keep on doing the thing तब तक करते रहो जब तक के आप succeed नहीं हो जाते and this is very well explained by the story King Bruce and the Spider कई बार ऐसा होता है ना कि छोटी छोटी चीजें हमें बहुत बड़ा मैसेज दे जाती है तो किंग ब्रिय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ इतने बड़े राजा को छोटे से स्पाइडर ने एक ऐसा मैसेज दिया कि फाइनली देखो क्या होता है आगे सी अवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल देखो और गिरता वही है जो घोड़े पे चढ़ता है है ना और अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आपको फेलियर होगा ही नहीं इफ यू आर गेटिंग फेलियर दैट मीन्स यू आर ट्राइंग एंड यू नीड टू मेक सम इम्प्रूवमेंट इन वॉट एवर यू आर डूइंग सो दैट यू गेट सक्सेस सी मेनी अ टाइम्स इट हैपन्स दैट वॉट डू यू डू वेन यू हैव टू डू समथिंग डिफिकल्ट आप क्या करते हो हैव यू एवर गिवन अप अ डिफिकल्ट टास्क अगर आपको चाहते हो बड़ी मेहनत कर, कर आपको मिल जाता है तो ऑब्वियसली खुशी तो होगी ही कैन यू नेम एनी वन हुड फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज बट डेंट गिव अपारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स है गांधी जी है नेहरू जी है जितने भी फ्रीडम फाइटर्स है उन सभी को कितनी मुसीबतें का सामना करना पड़ा बट दे नेवर गेव अप येसर नो वट वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर दैट नो गोल इन द वर्ल्ड इज अनअचिवेबल आप ठान लो तो आप एवरेस्ट भी चढ़ सकते हो मतलब कि ऐसी तो कोई चीज़ है ही नहीं ऐसा तो कोई टारगेट है ही नहीं जिसको आप अचीव ना कर सको

अगर इंडिया ने ठान ही लिया है कि हम लोगों को बचा के रहेंगे देन फाइनली आप देख रहे हो ना कि वैक्सीन्स आ गई है एंड वैक्सीन्स अच्छा काम भी कर रही है तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो अचीव ना की जा सके एंड द स्टोरी हियर सी हियर इज़ अ वंडरफुल स्टोरी अबाउट किंग ऑफ स्कॉटलैंड जिनका नाम था द किंग ब्रूस ठीक है He was very brave, he was just, he was loved by all his subjects, he was wise too. However, the king of England, there was one uh, king who was a uh, king of England and who wanted, who was not so very good, he wanted to make Scotland as a part of England. तो द किंग ऑफ इंग्लैंड वॉज पावरफुल एंड हैड अ बिग आर्मी स्कॉटलैंड का किंग समझदार जरूर था पर उसकी आर्मी इतनी बड़ी नहीं थी इंग्लैंड के किंग ने क्या किया कि इंग्लैंड के किंग ने स्कॉटलैंड uh, के किंग किंग ब्रूस पे अटैक किया बिकॉज ही हैड अ ग्रेट आर्मी तो उसने बड़ी आसानी से किंग ब्रूस स्कॉटलैंड के किंग को हरा दिया देन स्कॉटलैंड का जो किंग किंग ब्रूस था वो भी चुप बैठने वालों में से नहीं था उसने क्या किया कि उसके पास जो भी आर्मी थी उसमें से जो ब्रेव सोल्जर्स थे उनको उसने कलेक्ट किया एंड उसने एक योजना बनाई प्लान बनाया सो दैट ही कैन अटैक किंग ऑफ इंग्लैंड एंड ही डिड सो नॉट ओनली वंस बट सिक्स टाइम्स छः बार किंग ब्रूस ने इंग्लैंड के किंग पे अटैक किया बट द थिंग इज द सैड पार्ट इज के ऑल द टाइम ये जो किंग ब्रयूस है ना उसको हार का सामना करना पड़ा ब्र्यूस आर्मी प्रूव टू बी नो मैच फॉर द पावरफुल इंग्लिश आर्मी एंड वॉज डिफीटेड तो अब तो जैसे किंग ब्र्यूस को लगा कि ना वट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि मैं तो इंग्लैंड के किंग को हरा ही नहीं सकता था सो वट डिड यू डू उसने एक और प्लान बनाया उसने क्या किया अपने पूरी आर्मी को स्कैटर कर दिया यहाँ वहां फैला दिया और किंग ब्रयूस जो था ना वो खुद जंगल में एक गुफा में जाके बैठा ही with वेरी मच failures एंड uh, उसको यही लगा था ही lost ऑल द होप ऑफ विनिंग बैक हिज किंगडम उसे लगा था कि अब तो बस समझ लो कि मुझे सरेंडर करना ही पड़ेगा इंग्लैंड का किंग है मुझे अपना नौकर बनाकर मुझे अपना स्लेव बनाकर रखेगा उसके दिमाग में किंग ब्रूस के दिमाग में ऐसा विचार आने लगा देन ही लेइंग डाउन ऑन द फ्लोर ही सॉ लिटिल स्पाइडर हु वॉज बिजी वीविंग इट्स वेब सो किंग ब्रूस वॉज वॉचिंग दैट स्पाइडर हु वॉज वर्किंग वेरी हार्ड टू वीव द वेब द स्पाइडर वॉज ट्राइंग टू Uh, the spider tried to weave the web for six times, but every time she was not able to achieve the goal. तो so, ab now king ब्रियूज़ started comparing himself, uh, started comparing the spider's situation with his own situation. उसे लगा कि बिचारी स्पाइडर जैसे मैं हार गया स्पाइडर भी बिचारी हार रही है। but spider didn't give up. स्पाइडर ने क्या किया स्पाइडर शी वॉज डिटरमेंट शी वर्कड वेरी हार्ड शी स्टार्टेड वर्किंग फॉर द सेवेंथ टाइम कैसे भी करके उसने बैलेंस मेंटेन किया एक पतली सी डोरी के ऊपर एक सिलेंडर लाइन के ऊपर एंड शी अगेन अप विद द ओरिजिनल स्पिरिट उसने फिर से ये जो वेब है वो वीव करना शुरू कर दिया एंड टू किंग ब्र्यूस सरप्राइज क्या हुआ कि

स्पाइडर इतनी छोटी होने के बावजूद भी इफ इट इज नॉट गिविंग अप देन मेरे पास तो आर्मी भी है मेरे पास तो दिमाग भी है मेरे पास तो सारे सोर्सेस है आई शुड नॉट गिव अप एंड विथ दिस स्पिरिट किंग ब्रूस ही स्टार्टेड मेकिंग वन मोर प्लान उसने अपने सारे सोल्जर्स को एनकरेज किया नाव द नाव हिज टीम ऑफ हिज आर्मी वॉज फुल ऑफ पावरफुल एंड मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव थिंकिंग करने वाले सोल्जर्स की एक आर्मी बन गई थी उसकी फाइनली ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ये जो डिटर्मिनेशन है और नॉट टू गिव अप वाली जो सिचुएशन है इस एटीट्यूड की वजह से फाइनली किंग ब्रियूस और उसकी आर्मी जो है उन्होंने इंग्लैंड के किंग को हरा दिया एंड नाउ किंग ब्रयूस इज रूलिंग ओवर हिज ओन इंडिपेंडेंट किंगडम विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर सो दिस इज वॉट द थिंग प्रिजर्वरेंस इज यू नीड टू हैव करेज यू नीड टू हैव फेथ इन योर सेल्फ यू नीड टू ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई the same message is depicted in this song that no matter how the how tough the roads are no matter how the situation is no matter how helpless you are but if you are determined if you have faith in yourself

ड टू कीप ऑन सर्चिंग द की फॉर दैट लॉक एंड देन फाइनली आपका ताला ऐसे झट से खुल जाएगा जैसे कि कुछ था ही नहीं सिचुएशन जो कि खराब सिचुएशन थी वो पलक झपकते वैनिश हो जाएगी ओनली एंड ओनली इफ यू आर डिटर्मिंड अगर आप हिम्मत हार के बैठ जाओगे तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा बट इफ़ यू कीप ऑन डूइंग योर वर्क आपको टोटोइज और रैबिट वाली स्टोरी तो याद ही होगी है ना? कि टोटो वो स्लोली 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 उसने अपनी रेस में अपना परफॉर्मेंस देना कंटिन्यू रखा एंड इसी वजह से वो रेस जीत गया है ना सो सेम थिंग इज डिपिक्टेड इन दिस पोयम आप ये अच्छे से रीड कर लेना एंड व्हाट आर द प्लान ऑफ एक्शन दैट वी मस्ट डू दैट आई विल नेवर लीव एनी ऑफ माई टास्क इनकम्प्लीट जो काम आपने उठाया है उसको पूरा करके ही छोड़ो आई विल भी डिसिप्लिन इन माई लाइफ डिसिप्लिन जो है हर एस्पेक्ट में आपको मदद करेगा आई विल ट्राई टू डू दोज न्यू थिंग्स दैट आर गुड फॉर मी एवरी डे यू शुड ट्राई समथिंग और द अदर एंड जो गुड थिंग्स है वो तो आपको ज्यादा से ज्यादा करनी ही चाहिए ठीक है

Develop value of perseverance in your life. Okay? Bye bye.